इकबाल भाई का ये भी पढ़वाती हूँ जो उलूम का गुलशन लगाया है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के चमकते हुए चेहरे और दमकती हुई दाद बहुत ही लाजवाब है। मैं इन बुजुर्गों की नजर करता हूँ, देखिए कि ये बात सच है, ये बात सच है, वही बाकमाल होता है, ये बात सच है, वही बाकमाल होता है, वही बाकमाल होता है, नबी का चाहने वाला बिलाल होता है। ये बात सच है, वही बाकमाल होता है, नबी का चाहने वाला बिलाल होता है। और नबी के नाम पे जो लोग मुस्कुराते हैं, शेर देखिए, आप सबकी नजर करता हूं कि नबी के नाम पे जो लोग मुस्कुराते हैं, ये उनके पाक लहू का कमाल होता है। नबी के नाम पे जो लोग मुस्कुराते हैं, ये उनके पाक लहू का कमाल होता है। और वो जिन घरों में मोहम्मद का नाम मिल जाए, वो जिन घरों में मोहम्मद का नाम मिल जाए, बस उनके पास ही रिज़्क़ हलाल होता है, बस उनके पास ही रिज़्क़ हलाल होता है, बस उनके पास ही रिज़्क़ हलाल होता है। आइए एक मतला और चंद शेर और करता हूं कि लो आओ दश्त में, देखिएगा असलम साहब, लो आओ दश्त में सर बेहिसाब हम देंगे, लो आओ दश्त में सर बेहिसाब हम देंगे, सवाल तुमने किया है जवाब हम देंगे। लो आओ दश्त में सर बेहिसाब हम देंगे, सवाल तुमने किया है। और ये शेर मैं आप सबकी हथेली में रखता हूं कि मोहब्बतों के हैं सूरे तो इश्क की आयत, शेर देखिएगा साहब, मोहब्बतों के हैं सूरे तो इश्क की आयत, मुनाफिकों को वफा की किताब हम देंगे, मुनाफिकों को वफा की किताब हम देंगे। और मां शबी साहब देखिए कि न फिक्रमंद हों इस दौर की जुलेखाएं, शेर देखिएगा बड़ा नाजुक सा है और आपको इतिहास देखना है, न फिक्रमंद हों इस दौर की जुलेखाएं, शबाब हमने दिया था शबाब हम देंगे, न फिक्रमंद हों इस दौर की जुलेखाएं, शबाब हमने दिया था शबाब हम देंगे। और देखिए हुब्बुल वतनी का शेर, बस 5 मिनट के जो वक्त आएगा, जो वक्त आएगा हिंदुस्तान पे ऐ जफर, जो वक्त आएगा हिंदुस्तान पे ऐ जफर, फिर इस जमीन को लहू बेहिसाब हम देंगे। चलिए बहुत अच्छे, वाह, फिर इस जमीन को लहू बेहिसाब, चलिए बहुत शुक्रिया, फिर इस जमीन को लहू बेहिसाब हम देंगे। बहुत शुक्रिया।